हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट द पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है हमारे पास सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस। सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो पाई बॉन्डेड नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पोटाशियम, प्लेटिनम, Cl3, Ita2, C2H4। इस कंपाउंड का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। प्लेटिनम हमारे पास सेंटर में है, तीन साइड पे हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं एज लाइगेंड्स, एंड एक साइड पे हमारे पास है C2H4, एंड ओवरऑल चार्ज इस पे है नेगेटिव। इस कॉम्प्लेक्स को हम जी सॉल्ट भी कहते हैं। इसमें हमारे पास तीन लाइगेंड है जो सिग्मा बॉन्डेड है और एक है जिसमें हमारे पास पाई बॉन्ड डोनेशन कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन, Ita5, C5H5 ट्वाइस। इस कंपाउंड का नाम है फेरोसिन। फेरोसिन में हमारे पास सेंटर में एक आयरन मॉलिक्यूल होता है एंड इसके दोनों साइड दो साइक्लोपेंटा डाइनाइल रिंग्स होती हैं जो 5 इलेक्ट्रॉन्स इसको ईच डोनेट करती हैं। दैट्स व्हाई हमारे पास यहाँ पे Ita5 है। सो यहाँ पे भी जो डोनेशन हमारे पास हो रही है दैट इज फ्रॉम पाई बॉन्ड्स। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है क्रोमियम, Ita6, C6H6 ट्वाइस। इस कंपाउंड का हमारे पास नेम है डाइक्रोमियम बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे होगा? सेंटर में हमारे पास होगा एक क्रोमियम एटम एंड दोनों साइड इसके दो बेंजीन रिंग्स होगी जो 6-6 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगी। दैट्स वाई हमारे पास इसकी हेप्टासिटी 6 है और इसमें दोनों जो डोनेशन हो रही हैं दैट इज फ्रॉम पाई बॉन्ड्स। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास CH3 4 SN। इसका नेम है हमारे पास टेट्रा मिथाइल टिन। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास होगा, सेंटर में हमारे पास एक टिन मॉलिक्यूल होगा एंड इसके चारों साइड पे एक एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा। इसमें तीनों मिथाइल ग्रुप जो एडेड हैं वो सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड हैं, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है। सो जो कंपाउंड हमारे पास पाई बॉन्डेड नहीं है दैट इज CH3 4 SN। द फाइनल आंसर हेयर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।